सब ठीक है, देख रहे हो। घंटा घर मतलब आप आराम से बैठो। इस बंदे को डर लग रहा है देखो, और आप खुले में मौज करते हुए यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइस, होप कि सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो आज से करते हैं ब्लॉग शुरू। एंड तो अभी आपको हम बुलेट दिखा दें, वो रहा भाई बुलेट, चलते बाहर की तरफ। सो अभी चल रहे हैं भाई नीचे स्टेज से। एंड सामने का व्यू एक बार दिखाएं आपको, घंटा हाउस, घंटा घर मतलब। ये रही भाई कुछ मार्केट, और वो रहा भाई घंटा हाउस, घंटा घर। इधर गाड़ी लगी हुई। सो चलते हैं भाई अब आगे, कुछ खाएंगे पिएंगे पहले। हमारा होटल ये रहा भाई पीक व्यू। यहाँ पे शॉप पे जाना था, वो शॉप रही बंद। अब फुटपाथ भी चाय पीनी पड़ेगी भाई, यही है राइडर की जिंदगी। सो गाइस अभी है घंटागढ़, अपना होटल जैसे ही आपको बताया, वो रहा सामने पीक व्यू। एंड ये सस्ता ब्लॉगर मेरे साथ आते हुए एक, मैं चलो यार ब्लॉग शूट कर ले इस साइड का, देख रहे हो भाई साहब। इनके लिए सब बंदोबस्त रखा हुआ, खाना चाना मक्की पानी तक भी रखा हुआ है, सही चीज़ है यार। और ये चीज़ ना मतलब एक ऐसे टाइप की बनाई हुई ना, मतलब एक इस एरिया में कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे मतलब बाहर का होता है ना, मतलब एरिया से, खासकर लद्दाख की मार्केट है, कुछ जगह थी वहाँ पे भी इस तरह के मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, पर होनी भी चाहिए भाई, अच्छी लगती है ये चीज़। तो भाई सामने देखो सिर्फ कबूतर ही कबूतर है यार, इनके लिए पानी तो रखा ही रखा है इन्होंने, देखो कितना पानी रखा हुआ है। एक वो रखा है भाई रेड का, ब्लू का, एक पीछे ब्लू है, एक के सस्ता ब्लॉग है मेरे साथ आते हुए। देख रहे हो गाइस कबूतर गुड़ 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 जो इसकी आवाज़ होती है ना भाई, बहुत प्यारी आवाज़ होती है इनकी। ऐसे आराम से चल रहे हैं, कोई फिक्र ही नहीं इनको, दिख रहे। और भाई ये रहा सामने घंटाघर, जिसका लिए यहाँ पे आए थे हम घंटाघर। मैं तो पता नहीं कौन सा घंटाघर है, जब आए तो पता चला ऐसे ना, मतलब ऐसी जगहों पे ना, मतलब ये घंटे घर टाइप मतलब बाहर की कंट्रियों में होते हैं, ऐसे मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग बनानी है उन पर घड़ी लगा देनी, तो समझ रहे उसी टाइप का यहाँ पे भी एक बना हुआ है, छोटा ही है बट ठीक ही मार्केट के हिसाब से, कोई ट्रिपल स्टोरी समझ लो, ठीक है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ घंटागढ़ ना, हो पता नहीं यार धूप की वजह से थोड़ी वो ना हो, बट वो सामने देख रहे हो ये है घड़ी, घड़ी के पीछे इसको पड़ा हुआ है घंटागढ़ का नाम, ठीक है। ओ ये रही भाई इसकी पूरी मार्केट, और रहा वो चौक सामने हमारा होटल, ये सिर्फ होटल जितने आप देख रहे हो सब होटल्स है भाई चौक में, जितने भी दिख रहे सब होटल है, ब्लू ग्रीन वाले होटल से सामने सब होटल ही होटल है, यात्री निवासी वो तो सामने लिखा हुआ है, सब होटल्स है गाइस। ये देखो होटल लाला रुख पूरा, मतलब या इस एरिया में ना खाली होटल से होटल है। सो ये रहा भाई घंटागढ़, ठीक है। यार एरिया ठीक है भाई, ये मैं डर लग रहा है यहाँ आए थे तो, जब मुझे आया तो भाई डर लग रहा है, बोलता नहीं भाई टेंशन मत लो आप आराम से बैठो। इस बंदे को डर लग रहा है देखो, और आप खुले में मौज करते हुए यहाँ पे, ठीक है। और बैक साइड हमारे घंटागढ़ देख लो यार, पीछे देख रहे हो ना, देख रहे हो भाई साहब एक नंबर। अभी सभी उठ के आए अचानक, बहुत अच्छा लगा, वो वाले कैप्चर हम नहीं कर सके, बाकी सब ठीक है, देख रहे हो। वाह व्हाट अ ब्यूटी मैन, यही है भाई ब्यूटी। अभी हम आपको एक जगह लेके चले जाएंगे, डल लेक से थोड़ा सा आगे है, तो वहीं पे भी सेम, इससे भी डबल ट्रिपल में समझ लो, ऐसे सेम यही मतलब, ठीक है। वाह मैन वाह, देख रहे हो ये रहा घंटा घर, पता नहीं क्वालिटी आपको अच्छी नहीं आ रही, पता नहीं क्या सीन है,
पता नहीं कैसे नहीं, दो पैन है इसके ऊपर चल रही, वहाँ से रोशनी की वजह से थोड़ी क्वालिटी कम आ रही है। जो मेरे वाला फ़ोन है उसमें कैप्चर ज़्यादा आ रहा, अच्छा आ रहा है, बट ये दूसरे फ़ोन पर नहीं आ रहा। क्यों, मैं ब्लॉग इस भी शूट कर रहा हूँ, उस पर स्पेस का थोड़ा इशू हो गया है। चलो कोई सीन नहीं है, ये रहा घंटाघर। और भाई सामने हमने बनाई बहुत अच्छी प्यारी प्यारी रील्स, वहाँ पे देखो बुजुर्ग कैसे पिक्चर से उड़ रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी तक देखी नहीं भाई, वाह ब्यूटी ऑफ कश्मीर देखो यार, ठीक है। और ये चीज़ को एक बार बताना किस तरह की आपको लगी मार्केट, ठीक है। सो अगर आपने हमारी प्यारी प्यारी रील्स देखनी पिक्चर्स के साथ अभी, सो गाइज जल्दी से जाओ और हमारे अबाउट सेक्शन, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन, आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पे शॉर्ट्स आते रहेगी, इंस्टा पे भी आते रहेगी, इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करना भाई, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अब हम चलेंगे यहाँ से आगे डल लेक वाली साइड, वहाँ का भी बहुत अच्छा व्यू है, तो वहाँ पे लेते हैं शिकारा में होटल, जहाँ तक अभी तक हमारा है माइंड, अब देखते क्या बनता है, ठीक है। सबसे पहले आप ये बताना गॉगल्स कैसे लग रहे हैं, या मैंने कज़न के चुरा लिए हैं, तो मेरे वाले बैग में पड़े, मेरे को बोल के लाना। तो चाय पीने के लिए आए थे नीचे, पता नहीं था कि शूटिंग भी यहीं पे होने लग जाएगी ब्लॉग। सो आप चलते हैं भाई होटल में, शाम शायद मैं यहीं पे नहा के जाऊँ या डल लेक में ना हो, बट ना ना यार कपड़े काफ़ी गंदे हो गए हैं। हाँ सो हाँ सो यहाँ पे पकड़ लिया उन्होंने, बोलते कि यार क्या करते हैं, मैं ब्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूब चैनल है। सो ये वो तो अब हुआ, तो चलते हैं अब अंदर। तो अभी होटल में आ चुके हैं, चलो देखिए ब्लॉग छोड़ के छोटी छोटी क्लिप है एक एक मिनट का, मुझे पता कंटिन्यू करता रहूँगा बहुत ज़्यादा बन जाएगा, बट वो ब्लॉग कम से कम 40 से 45 मिनट का बना हुआ है, उसमें एडिटिंग करने वाला कुछ नहीं, सब मेन बातें हैं, सब जेन्युइन था जो भी था, हमें को समझ नहीं आ रही कि भाई मैं उसमें क्या चेंजेस करूँ क्या ना करूँ। सो देखते हैं भाई, एडिटिंग के लिए बैठा, मेरा माइंड ख़राब हो गया क्योंकि रात को थका पड़ा था, एडिटिंग नहीं हुआ, तो क्या सबसे पहले मैं ये वाला ब्लॉग डाल दूँ, नहीं यार वो वाला डालना ज़रूरी, पहले उसको एडिटिंग करेंगे। तो पीस आउट गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक टिल देन बाय बाय, टेक अ गुड बाय बाय, सब्सक्राइब करके जाना गाइज़।